हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आभा खत्री आज आपके लिए एक व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है रोज़ साबूदाना खीर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने साबूदाना की खीर बनाई है और उसमें रोज़ का फ्लेवर दिया है। इस तरह से खीर बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक मुझे ज़रूर दीजिए। तो आइए किचन में चलते हैं और बनाते हैं मेरी टेस्टी साबूदाना रोज़ खीर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत में खाए जाने वाली साबूदाने की खीर। इसे मैंने रोज़ फ्लेवर दिया है। तो उसके लिए हमें जो चाहिए वो इस तरह से है। दूध लिया है मैंने 1/2 लीटर फुल फैट दूध लिया है, मलाई वाला। इसमें जितनी भी मलाई आपके घर में दूध पर हो वो ले सकते हैं आप, उससे खीर अच्छी गाढ़ी बनेगी। फिर साबूदाना लिया है, इसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। और 1/2 बाउल मैंने साबूदाना लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है। रोज़ सिरप में भी शुगर होती है इसलिए मैंने थोड़ी शुगर कम ली है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। और पिस्ते की कतरन ली है मैंने, इसे थोड़ा बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें मैं दूध डाल दूंगी। मैंने लगभग 1/2 लीटर दूध लिया है। फुल फैट दूध लेना है हमें। इसमें मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। अब इसे इसी तरह से चलाते हुए और फिर 3 से 4 उबाले आए तब तक हमें पका लेना है। अब आप देख सकते हैं 3 से 4 उबाले हमारे आ चुके हैं, दूध भी थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम इसी टाइम पे साबूदाना ऐड कर देंगे जो भिगा हुआ था, और साबूदाना को हम पकने देंगे। जब तक हमारा साबूदाना पक के ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम दूध को 3 से 4 उबाले और ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे साबूदाने पूरी तरह से पक चुके हैं और खीर कितनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप खीर अगर थोड़ी पतली पसंद करते हैं तो पतली बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसे थोड़ा रड़ा के बनाती हूँ, गाढ़ी गाढ़ी, मुझे इसी तरह से पसंद है। अब शक्कर जब तक इसमें घुल जाती है हमें इसे और पका लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाने की ज़रूरत है। आसपास की मलाई हमें निकालते जाना है खीर को चलाते चलाते, और शक्कर भी आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है, साबूदाना भी पूरी तरह से पक चुका है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हमें गैस को इस टाइम पे बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद इसमें हम रोज़ सिरप डालेंगे और मिक्स कर देंगे। कई लोग इसे गरम गरम खाना पसंद करते हैं, कई लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको खीर को ठंडा खाना है तो इस स्टेज पे आपको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे करके और इसे फ्रीज में रख देना है, और अगर आप गरम पसंद करते हैं तो इसी तरह से गरम गरम आप सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे जैसे मिक्स होता जा रहा है इसमें रोज़ का कलर आता जा रहा है, कितना अच्छा लाइट पिंक कलर आ चुका है इसका। ये स्टेज आपको गैस बंद करके ही करनी है। अगर आपके घर में रोज़ पेटल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या मार्केट से फ्रेश लाके भी आप डाल सकते हैं। इस तरह का लाइट पिंक कलर ही होता है इसका। और मैं इसे अब ठंडी सर्व करूँगी इसलिए मैं इसे फ्रीज में रख रही हूँ 1/2 आवर के लिए। अब मैंने खीर को ठंडा कर लिया है और इसे मैं सर्व कर दूँगी। अब देख सकते हैं खीर कितनी गाढ़ी बनी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ये खीर को एकदम चिल्ड करके खाने का मजा ही कुछ और है। तो खीर को मैंने इस तरह से कुल्हड़ में सर्व कर लिया है। अब इस पे ऊपर से मैं थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल दूंगी क्योंकि रोज़ खीर है। और थोड़ी पिस्ता की कतरन डालूंगी मैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी व्रत में खाई जाने वाली साबूदाना खीर, वो भी रोज़ फ्लेवर में। मैंने इसे एक नया फ्लेवर दिया है, आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।